और स्पीच रुक करेंगे गाजियाबाद का, जहां पर बस चालकों की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। अमूमन जितना किराया है उससे ज्यादा वसूल कर रहे हैं और यात्रियों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं कि गाजियाबाद में जो बस चालक हैं, बस कंडक्टर्स हैं, उनकी गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। और अगर ज्यादा किराया ना दें तो फिर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, बदसलूकी करते हैं। और एक बार नहीं, न जाने कितनी बार इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। कंडक्टर की गुंडागर्दी एक बार फिर से सामने आई है। हालांकि मनमाना किराया वसूलने पर इस बार उसको विरोध करना भारी पड़ गया। सवारी की कंडक्टर और स्टाफ ने पिटाई कर दी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। एक सवारी की कंडक्टर और उसमें मौजूद लोगों ने पिटाई कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मनमाना किराया वसूलते हैं और अगर इसका कोई विरोध करता है तो फिर इनकी गुंडागर्दी सामने आती है। शिकायतें तो लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसी तरह का एक और मामला फिर से सामने आया है। और इसी खबर पर कर्णवीर कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्णवीर, लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि बस में कंडक्टर गुंडागर्दी करते हैं, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, गाजियाबाद के साहिबाद इलाके का ये मामला है। कल करीब 11 बजे का रात का मामला है, जब जो डग्गामार बस है, प्राइवेट बसें हैं, ये अपनी मनमर्जी से रात के समय में जब सवारियां कम रह जाती हैं और लोगों को जाना जरूरी होता है, कोई रास्ता नहीं बचता है, तो फालतू किराया वसूलते हैं, ऐसा बस वाले पर आरोप था। उसी बात को लेकर के बस कंडक्टर में, बस के स्टाफ में और जो सवारी है उनमें मारपीट होती है। उसके बाद बस को रोक करके जो ड्राइवर, कंडक्टर, अन्य स्टाफ बस में मौजूद होता है, वो उसे वहां से धक्का दे देते हैं और यात्री को छोड़ करके भाग जाते हैं। यानी एक तरह से जो बस स्टाफ की जो गुंडागर्दी है, गाजियाबाद में पहले भी कई बार सामने आई है, लेकिन जो संबंधित जो एजेंसी है या पुलिस प्रशासन है या यातायात विभाग है, ऐसे तमाम लोगों पर अंकुश कसने में नाकाम साबित होते हैं। चूंकि गाजियाबाद में तमाम बसें डग्गामारी बसें हैं, वो प्रभावशाली लोगों की चल रही हैं, शायद यही वजह है कि यात्री इनमें इस तरह का शोषण होता रहता है।